साथियों नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल प्रो विकास में। साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि रूटवेयर में आप लॉगिन आईडी कैसे बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही रूटवेयर जो नए रूल गाइडलाइंस भारत सरकार के आए हैं उसके अनुसार, उसके तहत हमारी कंपनी रूटवेयर कंपनी जो थी से अपना लॉगिन आईडी बनाने का सिस्टम थोड़ा चेंज की है। जो चेंज की है उसका कारण है ये दोस्तों, हमारे जो भारत सरकार के माध्यम से जो भी गाइडलाइन आई है, जो रूल आई उसको फॉलो करते हुए हमारी कंपनी ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। तो दोस्तों इसको कैसे लगा सकते हैं वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर नहीं देखते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और आप कभी भी जिंदगी में आईडी लगाना नहीं सीख पाइएगा। इसलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चले जाना है गूगल या फिर क्रोमो ब्राउज़र पे। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें शॉर्ट लॉगिन कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट में लॉगिन कर सकते थे एक सेकंड में। उस वीडियो का अगर अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं या फिर आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल में गूगल या फिर क्रोमो ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, जैसे मैं कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च बटन, मैं इस पर सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ रूटवेयर। रूटवेयर जैसे मैं सर्च करता हूँ उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि रूटवेयर का जो पैनल होता है, जो पेज होता है वो ओपन हो गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे में यूजर लॉगिन पैनल रूटवेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एक सेकेंड वेट कर लेंगे। जैसे इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खुल रहा है और खुल करके ओपन होने वाला है। तो बस कुछ सेकेंड वेट करेंगे दोस्तों, ये नेटवर्क का इशू होने की वजह से थोड़ा सा इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से कि आपको वेट करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से ये ओपन हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मांग रही है। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि आईडी पासवर्ड डाले तो डाले किसका, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का भी आप आईडी पासवर्ड है तो उसको डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे मैं किसी भी व्यक्ति का डाल लेता हूँ, जैसे मैं इनका ही डाल लेता हूँ, उसके बाद साइनिंग कर लेता हूँ। अब साइनिंग करेंगे तो ये डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, तो कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे इस तरह से खुलेगा दोस्तों। ये पूरे तरीके से अभी खुल करके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो थ्री लाइन दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन लाइन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे खुल करके आएगा सेकेंड नंबर पे न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको बताने वाला, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, इसलिए आप सभी स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप जहां पे स्किप करते हैं वहां पे आपको आईडी लगाने के लिए जो सीखना चाह रहे थे वो बिल्कुल नहीं सीख पाइएगा। आज की इस वीडियो में मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कि रूटवेयर में लॉगिन कैसे करें इस पे, लेकिन दोस्तों मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि अभी जो और अपडेट हुआ है उस सारे चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहां पर आपको देख पा रहे होंगे स्टेप वन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद नीचे दिख रहा है दोस्तों स्पॉन्सर आईडी। अभी तक ये जो है पेज बढ़िया से खुला नहीं है, आप ऊपर में देख रहे होंगे सर्च अभी हो रहा है, तो कुछ सेकंड हम वेट करेंगे दोस्तों। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये पूरे तरीके से खुल चुका है, क्योंकि देखिए दोस्तों जैसे ही फर्स्ट स्टेप में आते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 33%, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डालना है। स्पॉन्सर आईडी किसका डालना है, जिसके आप डायरेक्ट में आईडी लगा रहे हैं, यानी कि जिनके नीचे आप आईडी लगा रहे हैं, तो उनका स्पॉन्सर आईडी लगा देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, एक सेकेंड वेट कर लेंगे, मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको जो वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, वेरीफाई बटन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये एक पेज खुल करके आएगा, यहाँ पे शायद मैं स्पॉन्सर आईडी गलत डाला था, मैं यहाँ पे इसको सही कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ, ये खुल करके आ चुका है और जो भी स्पॉन्सर उनका नाम आ चुका है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शन खुल के आ रहे हैं उसके बारे में एक एक करके सभी के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख रहा है सेलेक्ट ग्रुप, आपको सेलेक्ट ग्रुप करना है, इस पर आपको दो
ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रुप वन सॉरी ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ग्रुप ए और बी में लगाना, ये कंफ्यूजन आप सभी को दिमाग में चल रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आईडी लगता है दो तरह से, जैसे आप हैं आपके दाएं यानी कि एक हाथ दाएं तरफ है, एक हाथ बाएं तरफ है, तो इसमें से आप चाहें तो आपका आईडी नया है और नीचे में भी कोई व्यक्ति नहीं आया है तो वो आप ए ग्रुप में डालिए चाहे बी ग्रुप में डालिए, वो आप डाल सकते हैं। तो मैं इसको ए ग्रुप में डालने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पे आईडी पासवर्ड यहां पे कंफर्म कर लेना है, फिर से यहां पे जो पैन कार्ड पे नाम है वो डाल लेना है, हस्बैंड या फिर पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज है यहां पे एक एक करके सभी को डाल लेते हैं। कुछ सेकंड दोस्तों मैं वेट करूंगा, मैं आप सभी के सामने यहां पे डाल करके आप सभी को दिखाता हूं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मैं सारा डिटेल इनका डाल चुका हूं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपको आपको क्या करना है, तो यहां पे आपको जो नीचे में बटन दिख रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड सर्च लेगा, उसके बाद आपको यहां पे आगे को बढ़ने के मौका मिलेगा। दोस्तों ये हो चुका है एक बार, मैं फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और जैसे मैं क्लिक करूँगा दूसरा ऑप्शन में लेकर के आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो जो सेकेंड स्टेप है उसमें क्या करना है कि आपको सेकेंड स्टेप में आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको प्रूफ लिए कुछ देना पड़ेगा, जैसे पैन कार्ड इंफॉर्मेशन यानी कि डू यू हैव पैन कार्ड, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करके यहां पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे, कोई गलत नंबर नहीं डालेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर जो नंबर डालेंगे उसी से फेच करेगा आपका जो नाम होगा फेच करेगा, यानी कि ऑटोमेटिक यहां पे नाम आपका चला आएगा, लेकिन अगर गलत होगा तो यहां पे नाम नहीं आएगा, इसलिए अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहां पे आईडी प्रूफ इंफॉर्मेशन, यहां पे पूछ रहा है कि आपके पास आईडी प्रूफ में कुछ है, जैसे में क्या क्या है, तो यहां पे यस पे करके देखते हैं। दोस्तों यहां पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, वोटर कार्ड और डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। अभी दोस्तों ये तीन गो ऑप्शन जो दिख रहा है, बैंक अकाउंट, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों काम कर रहा है, लेकिन अभी आधार कार्ड का सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर हम आधार कार्ड का यहाँ पे चेक करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैं आधार नंबर यहाँ पे डालता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं डाल के दिखा देता हूँ दोस्तों कि मैंने कुछ देर पहले एक व्यक्ति का आईडी लगाया था और उसको हम सर्च कर रहे थे तो नहीं ले पा रहा था, तो मैं इस चीज़ को आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या लिख रहा है, नोट अ वैलिड आधार कार्ड नंबर, इस तरह से लिख रहा है, तो इसलिए अभी ये नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आप तीन ऑप्शन को सेलेक्ट करके कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट पे क्लिक किया, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे जिनका भी अकाउंट नंबर डालेंगे और आईएफएससी कोड डालेंगे उन्हीं के नाम से आईडी बन जाएगा, आप शुरू में क्या डालें नहीं डालें उसको कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा लेकिन आप सभी घबराएंगे नहीं, इस वीडियो में आप सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जैसे ही हम डालते हैं आप सभी के सामने मैं डाल करके दिखाता हूं दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं यहां पे कि जैसे दोस्तों यहां पे मैं अकाउंट नंबर डाल ले रहा हूं, आप यहां पे वेट कर लेंगे दोस्तों कुछ सेकंड। उसके बाद दोस्तों आईएफएससी कोड जो है मैं उसको भी डाल लेता हूं यहां पे, तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो है ऑटोमेटिक यहां पे सर्च करेगा, जैसे मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, मैं बाहर में क्लिक किया, देखिए आप सर्च कर रहा है, अब ऑटोमेटिक यहां पे उनका सारा नेम डिटेल जो भी है, अगर सही अकाउंट नंबर और सही आईएफएससी कोड होगा तो ऑटोमेटिक चला आएगा दोस्तों। अगर कहीं पर देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही नेक्स्ट पे करेंगे इस तरह से एक टर्म एंड कंडीशन खुल करके आएगा, आप तो इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। आप पूरा पढ़ने के लिए रीड मोर पे यहां पे क्लिक करेंगे, पूरा खुल करके आप सभी के सामने आएगा, तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं इसको पढ़ चुका हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आगे आना है और यहां पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्म एंड कंडीशन पे टिक करने का, जिसको मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं दोस्तों। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि क्या करना है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है, टिक कर देना है, इस पे क्लिक करना है, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे जो नंबर डाले होंगे उस नंबर पे ओटीपी चला गया होगा दोस्तों, आप उनसे ओटीपी लेकर के यहां पे फिल करेंगे। तो मैं यहां पे ओटीपी डाल लेता हूं, तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने ओटीपी फिल कर चुका हूं। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे दोस्तों ओटीपी अगर सही होगा तो यहां पे उनका पूरा डिटेल आ जाएगा, नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और सबमिट ऑन डेट
जी हाँ दोस्तों, आप जिस दिन में सबमिट कर रहे हैं उसका डेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, पूरा सारा चीज आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, देखते हैं दोस्तों आगे आपका आईडी बन करके ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना आईडी बना सकते हैं, इस तरह से आप अपने आईडी को लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर दोस्तों यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जब तक लोग आईडी लगाना नहीं सीखेंगे तो आपके बिजनेस में ग्रो नहीं आएगा, आपके बिजनेस तेजी से नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को ये चीज सीखना जरूरी है, कौन व्यक्ति कहाँ से ज्वाइन करता है उस व्यक्ति को आईडी लगाना आना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक छोटा सा सुंदर सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।